आज सुनेंगे अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा, जैसी करनी वैसी भरनी। इस कहानी को आप आखिरी तक जरूर सुने ताकि आपको ये समझ में आए कि जैसे कर्म इंसान करता है उनका फल उसे जरूर मिलता है। श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल में आपका बड़ा स्वागत है। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अक्षय तृतीया की एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो बड़ी प्राचीन है। और प्राचीन काल में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति था और जाति से वो बनिया था, यानी वैश्य था। अब धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बड़ा ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए भी सोच समझ कर भोजन बनता था कि आज की व्यवस्था ये, कल की व्यवस्था ये। और हमेशा वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बड़ा चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना जो धर्म था वो कभी नहीं छोड़ा। इसकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ही धार्मिक थी। तो उस व्यक्ति ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और वह देवताओं, सदाचारों, पाठ पूजा, ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा थी और वो उसको मानता था। अक्षय तृतीया के व्रत का जो महत्व होता है उसको सुनने के पश्चात इस व्यक्ति ने अक्षय तृतीया के पर्व के आने पर इसने कुछ कार्य किए। अब वो कार्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये शुभ माना जाता है। उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा मैया में स्नान किया, क्योंकि उसका गांव गंगा के किनारे पे ही था। और उसने विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की, मां लक्ष्मी की पूजा की, और व्रत के दिन उसने जो उसका सामर्थ्य था, उसके बस की था, उसने जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सतुआ, आप जानते हैं गांव में सतुआ, गांव वाले बहुत अच्छे से जानते हैं सतुआ क्या होता है। सतुआ चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना, वस्त्र, ये बहुत सारी वस्तुएं भगवान के चरणों में उसने अर्पित कर दी। इन सब को मिलाकर जो गांव की परंपरा है उसमें बोलते हैं मंदिर पर सीधा भिजवाना, मतलब भगवान के लिए भोग भिजवाना। तो ये उसने भिजवा दिया और उसके बाद ब्राह्मणों को ये दान में दे दिया। अब यह सब देखकर धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी को थोड़ी चिंता हुई और उन्होंने कोशिश की कि धर्मदास को रोक लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो परिवार का लालन पालन कैसे करोगे, इनका भरण पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास नाम के व्यक्ति ने दान पुण्य के कर्म में अपना पूरा जो मन था, मन से कार्य किया। वो इनकी बातों में नहीं आया, विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए जो कि उसके सामर्थ्य में था। और उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पर्व आया तो उसने प्रत्येक पर्व पर धर्मदास नाम के व्यक्ति ने इसी तरह विधि पूर्वक पूजा की, दान दिया और अच्छे अच्छे कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त और वृद्ध होने के उपरांत भी उसने व्रत रखा और धर्म कर्म का पुण्य कार्य किया। यही बनिया वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ था। अब कुशावती का राजा जब ये हुआ तो कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और पूजन के कारण वह अगले जन्म में बहुत धनी व्यक्ति था और बहुत प्रतापी था और राजा था। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव एक बार उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके महायज्ञ में शामिल होते थे। कौन? त्रिदेव, तीनों लोकों के देव त्रिदेव। और अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे
बिल्कुल घमंड नहीं था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ या प्रतापी राजा हूँ या मेरे पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, मैं वैभवशाली हूँ। उसके बावजूद भी उसको तनिक भी घमंड नहीं था और वो धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। और आगे जलकर आगे के जन्मों में ये भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। ये चंद्रगुप्त जो आपने नाम सुना है, वो चंद्रगुप्त ऐसे ही नहीं बन जाते, अपने कर्मों के अनुसार बनते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अब जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, उस धर्मदास नाम के व्यक्ति पर कृपा की, वैसी ही कृपा जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की इस कथा को सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करता है, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान को अर्पण करने में संकोच कैसा, उसे अक्षय पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। तो ये अक्षय तृतीया की जो कथा आपने सुनी, वो आपको समझ में आती है कि जैसे कर्म इंसान करता है वैसे ही कर्मों का फल उस इंसान को मिलता है। और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन द्वापर और त्रेता युग की शुरुआत हुई और द्वापर युग का अंत भी अक्षय तृतीया को हुआ, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं में अक्षय तृतीया के दिन शुभ होता है और इस दिन लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। और ऐसे घर में रखे हुए टूटे झाड़ू को बाहर निकाल देना चाहिए और इसके साथ ही नया झाड़ू अक्षय तृतीया को घर में लाना चाहिए। और ऐसा करने से ना सिर्फ घर की उन्नति होती है बल्कि माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आप भी विधि विधान से अक्षय तृतीया के इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का व्रत प्रभावशाली वैभवशाली है। फिर आता हूँ नई पौराणिक कहानी के साथ। आप इस कहानी को सभी तक शेयर जरूर करें, जितना आप शेयर करेंगे उतना अधिक लाभ आपको होगा। प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।